नमस्कार किसान भाइयों, मेरा अन्नदाता किसान आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सोयाबीन में एक मुख्य तत्व की जानकारी लेंगे जो कि है सल्फर। हमारे कंपनी प्रतिनिधि प्रदीप सर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। सर नमस्कार। किसान भाइयों, मेरा नाम प्रदीप पाटीदार है। मैं सल्फर मिल्स लिमिटेड की ओर से हम आज उस प्लांट पर खड़े हैं जहाँ पर फार्मर के द्वारा फर्टिस का उपयोग किया गया है, कोसावेट फर्टिस का उपयोग किया गया है जी। कोसावेट फर्टिस के आपको मैं फायदे बता दूं जी। जैसे वैज्ञानिकों का भी कहना है कि एमपी में हमारी जो जमीन है उसमें 65% सल्फर की कमी है जी, जी। ये वैज्ञानिकों का कहना है जी। तो सबसे पहले ये कोई बीमारी रोग नहीं है कि हमें इसको आने के बाद इसका उपयोग करना है। ये एक तत्व है जी। इसको हमारी फसल में, हम जो भी फसल लगा रहे हैं, दलहनी तिलहनी जो भी हम फसल लगा रहे हैं, उसका हमें 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का उपयोग हमारी जमीन में करना है। इसके जो फायदे हैं सल्फर के, दलहनी फसल को तो आवश्यकता होती है कि सल्फर डालना ही है जी। तिलहनी फसलों को आवश्यकता होती है कि सल्फर डालना ही है जी। इसमें क्या होता है कि ये फंगस भी दूर करता है, साथ साथ तत्वों की कमी है तो उसको दूर करता ही है, साथ में फंगस को भी दूर करता है जी जी जी। हल्का फुल्का आपका थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है जी जी। हल्की अगर मकड़ी हो तो उस पर भी इसका असर आता है, दिखता है जहाँ पर भी लोगों ने डाला है। और ये अपने आप में ब्रांड है, ये कंपनी भारत देश के साथ साथ अन्य 30 से 35 देशों में भी अपना निर्यात सल्फर का करती है। और एक अच्छी बात ये है कि अन्य देशों में भी ये नाम आपको फर्टिस नाम से ही मिलेगा। जैसे अदर कंपनियाँ नाम कोई चेंज, ब्रांड नेम चेंज कर दी, लेकिन हमारा आप किसी विदेश में भी आप जाएंगे तो आपको इसी ब्रांड नेम के नाम से आपको वहाँ पर भी मिलेगा। सर ये 3 किलो की कीमत मार्केट में क्या होती है? 3 किलो की कीमत मार्केट में आपको भैया ये मान के चलिए 300-325 के आसपास आएगा 3 किलो एक एकड़ का जी। इसमें 4 से 5 पैकिंग है। आपको 15 किलो की पेल भी मिलेगी, बाल्टी भी, आपको 30 किलो का कट्टा भी मिलेगा लूज में भी, आपको 30 किलो का ड्रम भी मिलेगा जी। सर और इसके अलावा कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग करते हैं? आप इसको, मैंने बोला ना कि ये तत्व है जी, वो फसल नहीं, आप इसको जमीन के लिए है ये, आप इसको जो भी फसल लगा रहे हैं जी उस फसल में हमें अपनी जमीन को ये डालना ही डालना है, आवश्यक ही है। मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसलों, मुख्यतः दलहनी और तिलहनी। जैसे अभी आने वाले समय जो समय है, अभी प्याज का समय है आने वाला, खंडवा हम जैसे खड़े हैं तो अभी प्याज लगना है, तो प्याज में हम इसको डलवाना ही है 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जी। ये बुआई के समय ही आप इसको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।